देखिए, अगर आपको भी इतने मज़े की मूली की और मेथी की रेसिपी बनाना सीखनी है तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी, ताकि आप भी इतने मज़े की मूली और मेथी की सब्ज़ी बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी रेसिपी देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मूली और मेथी की सब्जी, जिसके इंग्रेडिएंट है, देखिए, मूली और मेथी की सब्जी के लिए जो सामान चाहिए, सबसे पहले हमने मूली ली है। मूली हमने 3 किलो ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए मेथी। मेथी हमने 1 किलो ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है, वॉश कर लिया है। इसके बाद इसके पत्ते हैं मूली के। उसके बाद जो मसालों में चाहिए, मसाले हमने लिए 15 हरी मिर्चें ली हैं हमने, जिसे दरदरा सा कूट लिया है, और 1 इंच का अदरक, 1 इंच का हल्दी का टुकड़ा लिया है, जो फ्रेश हल्दी आ रही है अभी सीजन में, उसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन। लहसुन हमने बारीक उतर लिया है, हमने एक गाठा लहसुन का लिया था पूरा, उसको हमने बारीक काट लिया, इसका हम तड़का लगाएंगे। इसके बाद हमें सूखे मसालों में चाहिए, हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने नमक लिया, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, और 5 से 6 हमने बटन चिली ली है, वो भी आप ले लीजिएगा अपनी मर्जी के हिसाब से। और हमने देखिए, हमने 250 ग्राम तेल लिया है, जिसका हम तड़का लगाएंगे। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री। देखिए, पतीला हमारा गर्म हो चुका है, उस पर सबसे पहले तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है, उसमें सबसे पहले डाल देंगे लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। देखिए, हमने लहसुन डाल दिया, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसी के साथ हम इसमें सूखा मसाला भी डाल देंगे। अब इसमें देखिए, मसाला भुनी चुका है मूली की सब्जी का, अब इसमें हम डाल देंगे मूली, डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए, हमने मूली को बॉईल नहीं करा, हमने मूली को कच्ची पका रहे हैं। हमने आपको जो पहली रेसिपी में बताया है वो उबाल के बनाइए, ये हम कच्ची बना रहे हैं। तो देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसको। अब इसी के साथ हम इसमें मेथी डाल देंगे। देखिए, इसमें हम मेथी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ी थोड़ी मेथी डाल के हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने सब मेथी डाल दी है, अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, इसको मूली के साथ अच्छी तरह से मेथी को मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने मूली और मेथी इसमें डाल दी है, अब इसमें हम मूली के पत्ते डाल देंगे, ये हमने डाल दी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम आधे चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि मसाला तो हमने भून दिया है, बस मूली का पानी और मेथी का पानी खुशक होगा, हम इतनी देर के लिए इसको रखेंगे। देखिए, मेथी और मूली की सब्जी जो आपको बता रहे थे वो तैयार हो चुकी है, इसको अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमने आपको मूली और मेथी की सब्जी बनाना सिखाई है, जो बहुत मज़े की बनी और सिंपल तरीके से बनी। इससे पहले भी हम आपको मूली की रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनाना सिखा चुके हैं, उसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी। ये भी बहुत मज़े की बनी है, सर्दी में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो भी रेसिपी हो फ्री में आपको देखने को मिल सके। एक डिश चकेला।